हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा आपके दिलों में, जोश जगाता रहूंगा। हेलो हाँ जी, चंदन सिंह जी, सर ये आपके लिए हाफ ईमेल का ऑफर आया हुआ है, मनीवी से बात कर रही हूँ। हेलो हेलो, बताइए बताइए। सर ये आपके लिए हाफ ईमेल का ऑफर आया हुआ, मनीवी से बात कर रही है, पेमेंट भी नहीं करा रहे सर आप। मैडम पेमेंट यू नहीं करा रहे, पैसे सर पैसे नहीं है, ये थोड़े ना ऐसे करते हैं सर। आप ये 5,040 रुपये नहीं करा पाएंगे, आपके लिए हाफ ईमेल का ऑफर आया हुआ है तो क्यों नहीं करेंगे सर? मैडम पैसे नहीं है, कम सुनाई देता है क्या? सर तो कहीं और कम सुनाई देता नहीं है, आपको कम सुनाई देता है। ठीक है सर, एक तो कंपनी ऑफर देती है, ऊपर से सैलरी कम सुनाई देता है क्या? पहले जाए डीआरए करके आ, फिर बात करिए। क्या डीआरए करके आ, फिर बात करिए। क्या डीआरए करके आई हो? बिना डीआरए के बैठ गई है ना वहाँ पे, तो डीआरए कर ले फिर बात। जरा सर ये जरा ना आप तुक तड़ाक करके बात मत कीजिए मुझसे, ठीक है? तड़ाक करके बात करूँगा? एक तो कंपनी का पैसे नहीं देता। मेरी जान, मेरी जान, आई लव यू, तू तड़ाक करके बात करूंगा, क्या उखाड़ लेगी उखाड़ ले। अरे मैं जो है ना तुझे मम्मी बना दूंगा, आ तो जा, तुझे मम्मी बना दूंगा, तुझे भी माँ बना दूंगा। 9 महीने से पहले 6 महीने में माँ बना दूंगा। अरे मत बोल यार। अरे अरे मेरी बात सुनिए, जो तू ना बिना डी आ रहे पीछे वाली छमिया थी ना जो बदतमीजी कर रही है, अब अगर एक ने बदतमीजी करी ना तो पूरी कंपनी पे नाम आता है। तो वैसे ही ना फोन तूने ले लिया तो बदल नहीं जाएगा कुछ, तुझे भी और इसे भी दोनों को 9 महीने के बदले 6 महीने में माँ बना दूंगा। आ जाइयो ठीक है? तो बनाओगे सर घर में, क्या यही सिखाया क्या? 6 महीने में बना दूंगा माँ। नहीं सर, आपने अपने घर में यही सब सिखाया? यही सीखा जो 2 घंटे का काम है ना। अरे सुन मेरी जान, आई लव यू बेबी बेबी, जो तू वहाँ बैठी हुई है ना पिछली एजेंसी में मैनेजर का, पहले ये तो देख ले सामने वाला कौन है। ये जो है ना सुन, जो काम वायग्रा की गोली खाकर 2 घंटे में होता है, मैं 4 घंटे में करूंगा, तभी 6 महीने में माँ बनेगी तू। सुन तू अपने मैनेजर से बात करा, टीएल से बात करा, किसी से भी करा, लेकिन मां तुझे ही बनाऊंगा। हेलो। हाँ भाई। हाँ भाई, कौन सी बदतमीजी कर रहा सुना? क्या नाम है? है? क्या नाम है? जसवंत। जसवंत कौन है? टीएल है कौन है? क्या कौन है? टीएल है, सीनियर रिकवरी एजेंट है, कौन है? फोन है रोहित छोटा सा, ऑनलाइन है ना छोटा सा। मैं ये कह रहा जो काम वायग्रा की गोली खा के 2 घंटे में होता है, मैं इसके साथ 4 घंटे में करूंगा, 9 के बदले 6 महीने में तुझे मामा बना दूंगा। 6 महीने में तुझे मामा बना दूंगा, पक्की बात है। पक्की बात है, 6 महीने में मामा बनाऊंगा, पक्की बात है। पक्की बात है, 6 महीने में बनाऊंगा। तू बोले तो यार तेरा दूसरा भाई निकाल दू 5 महीने में, लेकिन तेरी मम्मी के साथ 6 घंटे करूंगा। सुन मेरी बात सुन, एक बाप का है तो निकाल दे। तो तेरी मम्मी के साथ 6 घंटे करूंगा, मम्मी को तो भेज। मैं कह रहा हूँ एक बाप का तो निकाल दे। अरे तो मम्मी को तो भेज, निकाल तो दे, निकाल तो दे। ओ अब भेज ना, अब जितना बड़ा छोड़ सारी डिटेल खुद निकाल रहा था। तो क्या, तो ये बता क्या डिटेल कर दो, तो एक काम का मम्मी की फोटो भेज दे। अरे मम्मी की इमेज भेज दे, योनी की। मुझे पता क्या लग रहा है सुन, बता क्या मुझे लग रहा है, तेरा काम ना गल्ले का ही है ना, तेरे को सारी इन्फॉर्मेशन है, दलाल है ना तू, दलाल हूँ यार। दलाल मेरी बात सुन, सुन 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 मेरी बात सुन, दलाल है तो तू बता दे कितने का क्या हिसाब किताब है तेरा, तेरी बहन का और तेरी माँ का। तेरी मम्मी के लिए, तेरी मम्मी के लिए तो 10,000 दूंगा। बात सुन ले मेरी। अरे अरे क्या सुनना यार, तेरी मम्मी की गुलाबी दिलवा दे 10,000। चल रहा 29 तारीख, सुन मेरी बात सुन, चल रहा 29 तारीख है। हाँ। और कल आगे सैलरी, ठीक है, कल तेरी माँ और तेरी बहन के नाम पे हो जाएंगे। वैसे तुम्हें बता कितना रुपया। यहाँ पे आ जा फिर, एक काम का एड्रेस लिख ले, यहाँ पे आ जा। बता बता JJKM तिगड़ी कहाँ पे? ये लिख, हाउस नंबर 38। हाँ।
अच्छा और हाँ नियर बाय SBI बैंक हाँ जे जे कैम तिगड़ी आ जा कौन सा दिल्ली कौन सा जे जे कैम तिगड़ी जे कैम तिगड़ी हाँ तिगड़ी खानपुर का था तू हाँ आ जा यहीं पे आ जा तिगड़ी का है तिगड़ी का ही है सुन अब मेरी बात सुन तिगड़ी मैं तो एड्रेस देता हूँ ठीक है वो आ जा वहाँ पे अबे यार देख मैं क्यों आऊंगा भाई सुन अरे सुअर बात सुनने बात सुने अब तू बदमाश बनाया तो भाई तेरी जो बेकार दूंगा तीन यार अब यार तो आ गया तू अब यार मेरे बेटे मेरी औलाद तेरी मम्मी की तेरे साथ बात करके टाइम बर्बाद क्या बोल रहा हूँ फोन पे ठोकेगा मिल के बात करेगा अरे तो आ जाए यहाँ पे एड्रेस क्यों तेरी मम्मी को अरे तेरी मम्मी को लेकर आइयो एड्रेस तो मैं तेरे को एड्रेस दे रहा हूँ तू आ जाए अबे मैं क्यों आऊंगा पागल है हेलो हाँ सर विनीत साहू आपको क्या लगता है सर हैं क्या बोल रही है मैडम विनीत साहू हाँ आपको जानता है क्या हाँ जानता है विनीत साहू जानता है क्या हाँ मैडम जानता है विनीत साहू ही बोल रहा हूँ मैं विनीत साहू नाभि से कॉल है पेमेंट क्यों नहीं किया अभी तक पेमेंट क्यों नहीं की मैडम क्योंकि आपने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया हा? आपने पेमेंट क्यों नहीं की क्योंकि आपने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया हेलो हाँ क्या बोल रहा है बोल रहा हूँ आई लव यू बाबू आई लव यू टू रिकॉर्डिंग बाबू मुझे कोर्ट बुला लो वैसे तुमने बाबू एक बात बताओ वो वाला गाना सुना है दिल बदतमीज बहुत सेक्सी सॉन्ग है बाबू तुम पे मैच करता है हेलो हाँ क्या हाँ बाबू आई लव यू बाबू ऐसे ये बात बता बिना डीआरए के जो तुम वहाँ बैठ गई है डीआरए तुमने किया नहीं तेरा बहन का सब भी ऐसा ही बात अगर मैं ऐसी बात करूंगा तो क्या अपनी बहन से शादी करवाएगी मेरी सर अपनी बहन से शादी करवाएगी ऐसी बात करूंगा तो करवा रही है लाइन पर रुक क्या हुआ क्या वरमाला डालेगी क्या ऑनलाइन डिजिटल आई लव यू बाबू हाँ भाई बता साले बता कैसा साले हेलो अबे साले कैसा है हाँ साले कैसा है मैं पूछ रहा हूँ ये जो तेरी बहन से ये जो तेरी बहन से मैंने डिजिटल शादी जो करी है वेडिंग करी है तो साले कैसा है तू मैं तेरा जीजा बोल रहा हूँ साले कैसा है साले बता जीजा को भूल गया अपने मैं कैसा वो बताऊंगा तुमको क्यों क्या करेगा कोने में ले जाके गाली देगा साले भारी पड़ जाएगा कोने में ले जाके गाली देगा क्या भारी पड़ जाएगा गाली देना एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ सबने एब्यूसिस का कोर्स कर रखा 100 में से 100 आए ऐसी ऐसी गाली देते है ना बिल्कुल मास्टर गाली देगा तू मुझे हाँ मुझे कोने में ले जाके गाली देगा आजरा है अपनी बहन से मैं बात कर रहा कहाँ गई अबे सुना यार तेरे से मैंने सुना था क्यों नहीं घर पे तू कहाँ मैं यार यहाँ फरार हूँ फरार है क्या हाँ कंपनी से पैसे लिया तो फरार होने के लिए हाँ पैसा यार पैसा तो तेरी बहन से शादी करने को लिया था उसने की नहीं शादी हेलो हाँ बता कहाँ पे रहता है साले फरार हूँ फरार आएगा क्या क्यों अपनी बहन को मेरे घर छोड़ के जाएगा हाँ अपनी बहन को मेरे घर छोड़ कर जाएगा अपना एड्रेस दे दे मैं आके ले जाऊं
दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।